एवरीवन, दिस इज शिल्पी और आप देख रहे हैं शिल्प शिल्पा भी द एक्सिबिटी मम। कैसे हैं आप? सबका संडे कैसा जा रहा है? होप करती हूँ आप सब बहुत एंजॉय कर रहे होंगे अपने फैमिली के साथ। बट पहले क्या था ना, संडे मीन्स थोड़ा बाहर जाना, कॉफी पीना, कैफे वगैरह में जाना, बट क्या करें अब हो नहीं सकता वो चीज। बट मैंने सोचा हम कैफे नहीं जा सकते तो क्या हुआ, कैफे तो हमारे पास आ सकती है ना, तो इसलिए मैंने अपने घर में ही एक कैफे सेटअप किया है। साउंड इंटरेस्टिंग राइट? एक्चुअली क्या है ना, हम चाय कॉफी तो कहीं भी बैठ के पी सकते, बट वो एक सेटअप परफेक्टली वैसा कैफे टाइप, तो उसमें थोड़ा लगता है कि हाँ हम कुछ अलग कर रहे हैं, अलग जगह है। जैसे हम, मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है, चाय में कप में भी पी सकती हूँ, बट मैं कॉफी मग में पीती हूँ ना, तो मुझे लगता है जैसे टेस्ट में थोड़ा चेंज है, मुझे वो अच्छा लगता है कॉफी मग में चाय पीना। तो वैसा ही चाय तो हम, मैं सोफे पे भी पी सकती हूँ, डाइनिंग टेबल पे भी पी सकती हूँ, बट वो एक परफेक्ट सेटअप में पीने का थोड़ा मजा ही अलग है। तो मैंने क्या किया ना, एक कॉर्नर बनाया कैफे टाइप का, थोड़ा कैफे लुक दिया। कैसे देखना है, इंटरेस्ट हो रहा है ना? तो चलो देखते हैं मेरा कैफे वाला सेटअप, फिर मैं बताऊंगी कि मैंने कैसे किया उसको। तो चलिए मेरे साथ। नॉक नॉक, वेलकम टू माय होम कैफे, जहाँ पर मैं अपना चाय कॉफ़ी एंजॉय करती हूँ। आप भी अपने घर के एक कोने में अपने लिए एक छोटा सा कैफ़े सेटअप कीजिए और अपना चाय कॉफ़ी सुकून के साथ एंजॉय कीजिए। बट कैसे करना है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने अपना कैफ़े कैसे सेटअप किया, वो भी बजट में। कैफ़े का सेटअप है तो चेयर्स तो होने ही चाहिए, तो मेरे पास ये ट्रायंगुलर डिज़ाइनर चेयर्स है। एक्चुअली ये मेरे डाइनिंग टेबल की चेयर्स है, तो उनमें से मैंने दो चेयर को यहाँ कैफ़े सेटअप में रख दिया और बीच में मैंने एक स्टूल रख दिया। अब दो लोग कॉफ़ी पियेंगे तो बीच में कुछ स्टूल तो होना ही चाहिए। देन मैंने अपने चेयर्स पर थोड़े कलरफुल कुशंस ऐड कर दिए, तो थोड़ा सा कलर पॉपअप के लिए। देन उसके बाद हम एक कारपेट रखेंगे, आपके पास जैसा कारपेट हो आप वैसा कारपेट का यूज़ कीजिए। मैंने इस छोटे से कारपेट को स्प्रेड किया है यहाँ पे, और ये मेरा अभी तक का लुक, ये देखिए इस तरह दिख रहा है। इसके बाद जो साइड के एसेसरीज हैं उनको हम ऐड करते हैं। जैसे मैंने एक बम्बू लैडर यूज़ किया है, थोड़ा रस्टिक और थोड़ा गार्डन टाइप का जो कैफ़े होता है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसमें बम्बू लैडर्स वगैरह का बहुत यूज़ होता है। देन मैं इस बम्बू लैडर पे एक ड्रीम कैचर को लगा दूंगी। एक तो ड्रीम कैचर बहुत ट्रेंड में है आजकल और यह अलग सा लुक भी देता है, तो मैंने ड्रीम कैचर को विंडो पे लगाने की जगह मैंने लैडर पे लगा दिया। देन कुछ साइन बोर्ड जो भी आपके पास हो आप उसे लैडर पे हैंग कर दीजिए। बेसिकली मुझे इस लैडर को डेकोरेट करना है, तो उसके लिए मैंने पहले ड्रीम कैचर, देन साइन बोर्ड, देन ये है मेरा बर्ड लैम्प, बर्ड केज लैम्प। एक्चुअली ये जो सेटअप है ना, ये बर्ड थीम के अकॉर्डिंग है, तो इसलिए यहाँ पे आपको बर्ड्स तो है ही वॉल पेंटिंग में, देन बर्ड केज वगैरह का बहुत यूज़ दिखेगा। फिर मैंने एक छोटा सा बर्ड केज और एक मिल्क कैन वाला लैम्प हैंग कर दिया। देन जो सबसे इम्पोर्टेंट रस्टिक लुक देता है वो है ये हेरिकन। मुझे हेरिकन बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे घर में दो तीन जगह पे आपको हेरिकन दिखेंगे, तो उसको मैंने दीवार पे हैंग कर दिया। देन मैंने एक बिग बम्बू बास्केट को रख दिया और उस बम्बू बास्केट पर मैंने एक फेडल लीफ प्लांट को रखा, क्योंकि थोड़ा ग्रीन ग्रीन दिखे। जैसे कि मैंने कहा ना आपको कि मेरा ये जो थीम है या फिर इस रूम का जो डेकोर है वो बर्ड के अकॉर्डिंग, बर्ड थीम के चारों तरफ है, तो इसलिए एक बर्ड केज, बड़ा सा बर्ड केज जिसमें एक मनी प्लांट। यहाँ पे मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये जो मनी प्लांट है इसको कोई भी हार्म नहीं है होगा, क्योंकि बर्ड केज कंपेयर टू प्लांट बहुत बड़ा है। देन मैंने अपने फिडल लीव्स को थोड़ा क्लीन कर दिया, थोड़ा ग्रीन ग्रीन दिखे ज़्यादा। देन मेरे पास दो वुडन कैंडल होल्डर्स हैं, उनको मैंने प्लेस कर दिया। अब ये जो वुडन कैंडल होल्डर्स हैं, इनको कैंडल्स रखने की जगह मैंने प्लांट होल्डर्स की तरह यूज़ किया। अब मैंने छोटे छोटे प्लांट पॉट्स रख दिए। फिर मैंने एक फ्रूट कैरेट जो मुझे लोकल फ्रूट वाले से मिला था वो मैंने रख दिया, और उसके ऊपर थोड़े से फोटो फ्रेम जो मैंने खुद के ड्रॉ किए हुए हैं उनको मैंने रखा, थोड़े से प्लांटर्स, छोटे छोटे क्यूट क्यूट प्लांटर्स, देन बुक्स, जो एक कैफ़े में नॉर्मली होता है कि आप चाय कॉफ़ी के साथ
आपको चाय है तो आप कोई बुक रीड कर सकते हैं। तो ऐसा मैंने थोड़ा सेटअप दिया है जहाँ पे प्लांट्स है, बुक्स है, चाय कॉफ़ी तो है ही, साथ में थोड़ा आसपास देखने के लिए मतलब थोड़ा ग्रीनरी, थोड़ा सजावट सब दिखे। तो उसी तरह का मैंने थोड़ा, जैसे एक रस्टिक कैफ़े या गार्डन स्टाइल कैफ़े होता है वैसा ही लुक है। अब कैफ़े है तो केटल तो होना ही चाहिए, बट ये केटल प्लांट होल्डर की तरह मैंने यूज़ किया है। देन मेरे पास एक ये स्टूल है जो देखने से लगता है वुडन ट्रंक है, जिसके अंदर एक आउल बैठा हुआ है। तो उस स्टूल पर मैं एक बड़ा सा प्लांट रख दूंगी और ये देखिए इस तरह अब ये सेटअप ऑलमोस्ट रेडी है। अब कैफ़े है तो थोड़े फेरी लाइट्स होने ही चाहिए, तो इसके लिए मैंने जुगाड़ लगाया। और जुगाड़ ये लगाया कि एक साइड तो ये हुक में मैंने फेरी लाइट के स्ट्रिंग को हैंग कर दिया और दूसरे साइड के लिए मैंने बम्बू के स्टिक का यूज़ किया, देखिए, और इसकी मदद से मैंने अपने फेरी लाइट्स को हैंग कर दिया। अब कुछ कैंडल होल्डर्स और मेरा ये सेटअप ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। यहाँ पे आपको सब मिलेगा, तो चलिए अब लाइट्स ऑन करते हैं। और ये मेरा कैफ़े का सेटअप रेडी है। तो कैसा लग रहा है आप सबको? देखो मैंने कॉफ़ी मग भी रख दिए, अब कॉफ़ी भी पीऊँगी इस रूम टूर के बाद। तो चलिए देखते हैं मेरा ये रूम कैसा लग रहा है आप सबको। ये सेटअप बहुत ही आसान है ना, आप अपने घर में किसी भी कोने पर ऐसा एक सेटअप कीजिए और वहाँ पे बैठकर आप अपना कॉफ़ी पीजिए। आप ज़रूर रियलाइज़ करोगे कि थोड़ा तो डिफरेंट लगा, और आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो तब तक आप मेरे इस रूम का थोड़ा सा टूर कीजिए और फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कॉफ़ी कैसे पिया। नाउ कॉफ़ी टाइम। कैसा लगा आपको मेरा ये कैफ़े सेटअप? अच्छा है ना? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, थैंक यू।